नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सफलता का एक साल में आपका स्वागत है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सिलसिला शुरू किया है सरकार के एक साल का जो कामकाज है उसको दर्शकों के सामने लाने का। अगर सबसे पहले मैं सवाल शुरू करूंगी वो बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, अगर हम आपसे बात करें कि आपका एक साल का कार्यकाल कैसा रहा, शिक्षा विभाग को आप कहां से कहां लेकर आए, तो क्या बातें आपको याद आती हैं? कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 17 दिसंबर को ये सरकार बनी थी, लगभग एक साल होने जा रहा है। इस एक साल में जितने शिक्षा विभाग में नवाचार हुए हैं वो आज तक कभी नहीं हुए। आप देखिए, जो स्टेट पूरे हिंदुस्तान में क्वालिटी एजुकेशन में 15 या 20 नंबर के लगभग आता था, वो क्वालिटी एजुकेशन में पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पे आया है। जो नवाचार हमने किए, चाहे विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों में जो हमारे अभिभावक हैं, गांव के लोग हैं, उनको जोड़ने का जो काम हमने बाल सभा के रूप में चालू किया, उससे हमारे जो नामांकन में वृद्धि हुई है और करीब 3.25 लाख नए नामांकन हमारे हुए, और जितने नामांकन हुए उतने पेड़ भी हमने लगाए अभियान के तहत। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मामले में आज तक हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं हुआ होगा कि एक साल में 1581 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हुई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बच्चों को मिलेगा। एक दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी कि पूर्व सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा राजे जी की, उसमें जो पाठ्यक्रम था, अशोक गहलोत जी जब पहले मुख्यमंत्री थे दूसरी बार, तो NCERT सिलेबस लागू किया था। उस NCERT सिलेबस को उन्होंने पाठ्यक्रम से हटा करके, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, RSS की विचारधारा बच्चों में कैसे जाए, कैसे थोपी जाए, अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के उन्होंने पाठ्यक्रम में चेंज किए। और इस तरीके से चरित्र चित्रण किया गया लोगों का कि हिंदू और मुस्लिम दो धाराओं में दिखें, दोनों में आपस में व्यमनिष्ठता बढ़े और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। तो मैं समझता हूं हमने पाठ्यक्रम को भी ठीक करने का काम किया, जो गलत तथ्य पढ़ाए जा रहे थे उनको हटाने का काम किया। डोटासरा जी, आप कहते हैं कि वो अपनी विचारधारा थोप रहे हैं, लेकिन वो आप पे आरोप लगाते हैं, और मुझे लगता है जो आम जनता है या हम बच्चों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि दोनों ही, कोई भी सरकार हो, वो अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास करती है। मैं यही कहने जा रहा हूं कि NCERT सिलेबस पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस है, जो 2011 से चल रहा था, 15-16 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चेंज किया, और एक वर्कशॉप इसी यहां पर की गई शिक्षा संकुल में, जिसमें देवनानी जी ने कहा कि जो विद्या भारती RSS का NGO है उसकी तर्ज के ऊपर उसकी विचारधारा के मुताबिक पाठ्यक्रम लिखाया जाए, और वो पाठ्यक्रम लागू किया गया। आज हमने वापस किया है तो NCERT सिलेबस किया है हमने, तो NCERT सिलेबस किसी विचारधारा का सिलेबस नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल राजनीतिकरण शिक्षा के माध्यम से करने का काम किया, उसको हमने ठीक करने का काम किया है, इसके अलावा हमने अपनी विचारधारा थोपने का कोई काम नहीं किया है। चलिए अब बात करें, आपने बात की कि हमने बहुत सारे नवाचार किए, लेकिन एक आम जनता की, एक आम पेरेंट्स होने के नाते में बात करती हूँ, टीस रहती है क्यों सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की बराबरी नहीं कर पाते। देखिए, लोगों की मानसिकता का सवाल है, लोगों में मानसिकता ही एक बन गई कि हमें हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, और हमारी सरकारी स्कूलों में, सरकारी शिक्षा में इंग्लिश मीडियम के स्कूल हमने खोले नहीं। हमने पहली बार महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में उनके नाम से प्रत्येक जिले में, 33 जिलों में एक एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला। उसका परिणाम ये रहा कि 11,800 के लगभग बच्चों ने एडमिशन लिया, लॉटरी से एडमिशन हुआ, और इतनी डिमांड बढ़ी कि हमने बजट में घोषणा की कि अगली साल से हम 167 वो ब्लॉक जहां पर विवेकानंद मॉडल स्कूल जो CBSE पाठ्यक्रम है वो नहीं चल रहा है, या हमने जो अभी 33 खोले हैं वो नहीं है, उनके अलावा 167 ब्लॉक हैं उसमें भी हम अंग्रेजी माध्यम के खोलेंगे। गांव के लोगों में एक धारणा हो गई थी कि सरकारी स्कूल में केवल मिड डे खाने वाले बच्चे जाते हैं, तो गांव के लोगों का जुड़ाव नहीं रहा। तो हमने
बाल सभाओं के माध्यम से गांव की चौपाल में महीने में एक दिन बाल सभा करके हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनका बच्चा किस प्रकार से जो क्या सीख रहा है, क्या वो किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, वो चीज़ गांव के चौपाल में बताई, तो उसका परिणाम ये रहा कि अब की बार हमारा 2.75 लाख के लगभग का नामांकन बढ़ा। तो ये चीज़ें करने की आवश्यकता थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5700 करोड़ रुपये पीएबी से पिछले वर्ष में बीजेपी और ऊपर भी बीजेपी की सरकार थी, एनडीए सरकार थी, लेकर के आए, हम 700 करोड़ रुपए ज्यादा लेकर के आए, हम 6200 करोड़ का पीएबी से अप्रूवल करा करके लाए बजट। तो आप समझिए एक इच्छा शक्ति की बात है। वो तो केवल कभी हाफ पेंट का कलर चेंज करते रहे, कभी हल्दीघाटी के युद्ध को, पानीपत को, खानवा के युद्ध को धर्मयुद्ध बताते रहे, और कभी साइकिलों का कलर चेंज करते रहे। इसके अलावा उन्होंने नवाचार क्या किया आप बताइए, कहीं बाल सभा नहीं, कहीं इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं, केवल और केवल आरएसएस के विद्या भारती की भवन से पर्ची आती थी और उसके मुताबिक उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते रहते थे। तो मैं समझता हूँ आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं, उसके बाद में जो नवाचार हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा आया है, जिस प्रकार से लोगों में एक आस जगी, आप देखिए अब की बार बोर्ड का रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट हमने पहले भी जारी किया 6-7 दिन पहले उनकी बजाय, और जो क्वालिटी का वो आया रिजल्ट वो देखिए कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से ज़्यादा 10वीं और 12वीं में मेरिट में हमारे बच्चे आए। तो ये करना पड़ता है। प्री बोर्ड किया हमने, प्री बोर्ड के प्रश्न बैंक बनाए, फिर एग्जाम करवाया, अब की बार हम सब जगह एग्जाम करवा रहे हैं, पहले बोर्ड से पहले प्री बोर्ड करवा रहे हैं, और उसके आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सा बच्चा कमजोर है, उस किस विषय में कमजोर है, उसको हम एग्जाम दोबारा उसकी तैयारी करवाते हैं और उसके बाद में हम लोग उसकी एग्जाम लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा बोर्ड का जो परिणाम सुधरा है ये भी हमारी उपलब्धि है। कुल मिला के जो पिछला साल है वो आपका, मुझे लगता है जो भी अभी तक अपनी सारी बातें हुई कि जो भाजपा सरकार में जो आपको कहना है कि विचारधारा करी या उन्होंने साइकिलों का रंग बदला, उनको सुधारने में रह गया। नहीं नहीं, सुधारने में नहीं रहा, हमने नवाचार भी किए। 2.75 लाख ऐसे ही नहीं होता, 1500 करोड़ रुपए की सैंक्शनें ऐसे ही नहीं होती हैं। लेकिन डोटासरा जी अभी भी बहुत जगह से शिकायत आती है, कहीं बच्चे हैं तो टीचर नहीं, टीचर हैं तो बच्चे नहीं, स्कूल की छत टपक रही है, कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए जो आखिरी बजट था वसुंधरा राजे जी का, उसमें 72,000 कर्मचारियों की, शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान किया था, उसमें से केवल वो 16,000 शिक्षक भर्ती कर पाए। 82,000-83,000 के लगभग शिक्षक विद्यालयों में फील्ड में नहीं गए थे, हमने कोर्ट से बाहर निकाला 36,000 के लगभग शिक्षकों की भर्ती की, रिशफल और वेटिंग का रिजल्ट निकाला, नई भर्ती की। सेकंड ग्रेड के 9,000 को हम अब विद्यालय देने जा रहे हैं, महीने 20 दिन के अंदर देने जा रहे हैं। 2,000 के लगभग प्रिंसिपल्स की हमने डीपीसी करके उनको प्रिंसिपलों को लगाया। हमने जो प्रयोगशाला सहायक हैं और ये थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं शारीरिक शिक्षक, उनको 43 को हमने काउंसलिंग करके दे दिया है। तो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसकी दोबारा रीट कराने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जल्दी से जल्दी हमारे बेरोजगारों को कैसे नौकरी मिले इसकी तैयारी कीजिए। तो हमने करीब 26,000 के लगभग हमने डीपीसी से उससे किए हैं, और हमने करीब 36,000 के लगभग जो नए टीचर हर रिक्रूटमेंट के, कुछ को कर दिया, कुछ को अब करने जा रहे हैं। तो तकरीबन जो शिक्षा विभाग में भर्तियों का दौर है वो हमारी सरकार आने के बाद में हुआ है। तो हमने भर्तियां भी की हैं, हम जल्दी से जल्दी कोर्ट से भी निकाल के आए हैं। प्राइवेट स्कूलों के ऊपर हमने जो फीस का नियंत्रण करने का कानून था वो कोर्ट में स्टे पड़ा था, उनके समय में बनाया था, उसको भी हम बाहर निकाल के लाए हैं। जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें एनुअल फंक्शन के लिए भी हम पैसा लेकर के आए हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी पैसा लेकर के आए हैं, शारीरिक शिक्षक भी 4300 हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल मिला के जो सरकार का जो सिस्टम है सरकारी स्कूलों का, उसमें ये लगने लगा है कि इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, बाल सभा भी होगी, टीचरों की भर्ती भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमरे भी बन रहे हैं, लैब भी बन रहे हैं, टॉयलेट भी हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब लोगों में आस जगी है, और वो आस जगानी जरूरी थी, वो विश्वास जिताना जरूरी था, जीतना उनका जरूरी था कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है। डोटासरा जी हम बात कर रहे थे, आपने कहा हम निजी स्कूलों का जो फीस का कानून है उसको बाहर निकाल के लाए हैं, क्या आप खुद व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं कि निजी स्कूलों ने बहुत ज़्यादा अराजकता फैला रखी है? देखिए दो चीज़ें इसमें, दो पहलू हैं, मैं कहना चाहूँगा। कुछ निजी स्कूलें ऐसी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, सरकार का शिक्षा के लिए सहयोग कर रही हैं। कुछ जो बड़े स्कूल हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, सरकार के कानूनों को भी नहीं मानते हैं और मनमर्जी से फीस बढ़ा लेते हैं,
तो अब की बार पहली बार राजस्थान में हमने 5-7 जो स्कूलें थी, निजी स्कूलें जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई उनकी जांच कराई गई, सीबीएसई की मान्यता समाप्ति के लिए लिखा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और जो कोर्ट ने 2016 का सरकार का जो बीजेपी सरकार का बनाया हुआ कानून था फीस रेगुलेशन एक्ट का, उसको जो स्टे कर रखा था उसको हम एजी से पैरवी करा के और माननीय उच्च न्यायालय से स्टे वैकेंट करा के लाए। तो मैं समझता हूं जो लोग गड़बड़ करते हैं, जो कानून को नहीं पालना करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैंने कल ही साइन किए हैं दिशा निर्देश के लिए कि जो कानून बना हुआ है फीस रेगुलेशन एक्ट का उसकी अक्सर से पालना होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे कितना ही बड़ा रसूखदार हो। तो ये इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, वो तो मिले हुए थे, पहले कानून बना दिया मनमर्जी का और फिर हाईकोर्ट में उनको छूट दे दी, उनकी पैरवी नहीं की और वो स्टे लेके आ गए। हम में हिम्मत थी, हमारी मंशा यही है, अशोक गहलोत जी के मंशा यही है मुख्यमंत्री जी की, कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए, उसका बेटा भी प्राइवेट में पढ़ना चाहिए। आप देखिए जो आरटी एक्ट के तहत 25% प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होते हैं उसमें इन्होंने हमारे समय में 2.5 लाख रुपए आय वाले को बच्चे को एडमिशन के लिए आवेदन कर सकता था, इन्होंने केवल बीपीएल के लिए कर दिया, बीपीएल के लिए कर दिया तो फिर हाईकोर्ट ने इनको डांट फटकार की तो इन्होंने 1 लाख का कर दिया। हमने फिर मुख्यमंत्री जी को फाइल भेजी है कि हम 2.5 लाख रुपए इसको आय को करेंगे जिससे कम से कम वो बच्चे आ सकें। उनको पैसा समय पे नहीं मिलता था स्कूलों वालों को, हमने सबका जो पैसा बकाया पड़ा था सबको निकाल करके अधिकारियों का कि जिसका वाजिब हक बनता है उसको दे दीजिए। एक सुधार हमने और किया है कि अगर कोई आरटी एक्ट में प्राइवेट स्कूल वाला जो गरीब के बच्चे को पढ़ा रहा है उसका पुनर्भरण करना है तो अगर 5 बच्चों का पहले अगर गलत एंट्री पाई जाती तो पूरा स्कूल का रोक देते थे। हमने कहा 5 का गलत है तो 5 का रोको, बाकी को पैसा मिलना चाहिए। उसी स्कूल वाले के साथ में भी अन्याय नहीं होना चाहिए और वो स्कूल वाला उन बच्चों के साथ में भी अन्याय नहीं करे, उसको भी अच्छी पढ़ाई करे, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। आपने सरकारी स्कूल में बस्ते का बोझ कम किया लेकिन निजी स्कूलों में अभी भी बस्ते का बोझ बहुत ज्यादा है। देखिए सरकारी स्कूलों में हमने जो एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक 5 किलो 900 ग्राम का वजन था उसको 2 किलो 200 ग्राम किया और ये एक प्रायोगिक तौर पर हमने एक जिले में एक स्कूल को चुना था। अब हम उसकी समीक्षा करवा रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, अगर वो ठीक रहा तो हम पहले सरकार में पूरा करेंगे और सरकार में करेंगे तो हम निजी स्कूलों के लिए भी उसके लिए अलग से हम लोग नीतिगत निर्णय लेंगे कि हम उनको भी पाबंद करेंगे। सरकार के जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम कानून कायदे हैं, वो आपको भी पालन करना पड़ेगा। जब मान्यता हमसे लेते हैं तो मान्यता हमसे लेंगे तो हमारे नियमों को, सरकार के नियमों को उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। बालिका शिक्षा के लिए कुछ विशेष अगर आपने कदम उठाए तो उसके बारे में बताइए। देखिए बालिका शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी का हमेशा फोकस रहता है। आपने देखा होगा पहली बार 1000 स्कूलों में बालिकाओं को 10 करोड़ रुपए देकर के पुलिस के सहयोग से हम सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने देखा होगा पहली बार राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में बालिकाओं के लिए 91 सीट्स की हैं जिससे बालिकाएं भी जा सकें। आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जो पुरस्कार है उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। एकलव्य पुरस्कार और मीरा पुरस्कार जो स्टेट ओपन के माध्यम से बच्चियों को और बच्चों को मिलता है उसमें भी हमने किया है। साइकिल लैपटॉप ये सारे करी कर रहे हैं और 1200 स्कूल पहली बार मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में 1200 स्कूल नव कर्मोन्नति का घोषणा करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है कि सरकारी स्कूलों में कर्मोन्नति भी हो, बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, टीचर भी पूरे रहें और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले उन बच्चों को और गरीब के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भी बराबर शिक्षा मिले जो आरटी एक्ट कहता है। तो ये सारा काम करके इस तरीके से किया तभी तो हम पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन में आए, नहीं तो ये भी आ जाते जी। एक आपका बयान था जो बीच में चर्चा में भी रहा था कि बालिका जो स्कूल है उसमें पुरुष अध्यापकों को ना लगाया जाए। देखिए ये बीजेपी का कार्यकाल का नियम था लेकिन वो इसको लागू नहीं करवा पाए, वो डर गए। जबकि हमारे ये मानना है कि एक बालिका के स्कूल में, बच्चियों की स्कूल में अगर लेडी टीचर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो वो अपनी माँ और बहन की तरह उसको अपनी प्रॉब्लम बता सकती है। 9th से 12th की जो बच्ची होती है उसके साथ कई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो प्रॉब्लम अपनी लेडी टीचर को वो ज़्यादा तरीके से बता पाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने कवायद कर रहे हैं कि कितने ऐसे टीचर हैं जिनको भी नुकसान नहीं हो। हम किसी भी एलिगेट नहीं करते कि सारे टीचर पुरुष टीचर बेकार होते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आगे से हम इस तरीके का व्यवस्था करें, जब भी ट्रांसफर करें या किसी नई पोस्टिंग करें तो कम से कम बालिका की जो स्कूल है उसमें लेडी टीचर को लगाएं जिससे उनको बच्चियों को कोई दिक्कत नहीं हो।
अभी आपने एक नया अभियान भी शुरू किया है, पहले शायद उसका नाम था शिक्षा मंत्री चले विद्यालय की ओर, अभी आपने कहा मंत्री विद्यालय की ओर, क्या है वो? देखिए, हमने ये तय किया है कि पूरे राजस्थान में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं हो जिससे शिक्षा मंत्री, सेक्रेटरी या अधिकारी उससे संपर्क नहीं करें, क्योंकि होता क्या है कि जो स्कूलें गांव में ढाणियों में हैं उनके ऊपर कोई किसी तरह का न तो कोई मंत्री जाता है, न कोई उनसे बात करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाला नहीं मिलता है। तो हमने आओ चले विद्यालय की ओर अभियान, चूंकि अधिकारियों ने बना के पेश किया था आओ मंत्री चले विद्यालयों की ओर, तो मैंने कहा नहीं, हम सब चलेंगे, अकेले मंत्री से कुछ नहीं होगा, आओ चले विद्यालयों की ओर। तो कोटा संभाग स्तर के ऊपर हमने सम्मेलन किया था, तमाम उस संभाग के विद्यालयों के पीओ को बुलाया, डीओ को बुलाया, जिला शिक्षा अधिकारी, जेडी, डीडी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, हम सब लोग रहे और उनके साथ संवाद किया कि हमारी सरकार की ये मंशा है कि गरीब के बेटे को, बेटी को, उसको अच्छी शिक्षा मिले, आपके ऊपर दारमदारी है, आपकी कोई समस्या है तो उसका हम समाधान करेंगे। तो सीधा संवाद भी हमने किया, उन्होंने कई प्रॉब्लम्स भी बताई, उनके सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे अपेक्षा की। मैंने स्वयं ने प्रिंसिपल से 10-12 से बात की, मैंने कहा भाई आपका नामांकन बढ़ा है तो इसके लिए धन्यवाद, आपने क्या क्या प्रयास किए जिससे मैं हम दूसरों को भी कहें, अगर नामांकन घटा है या बहुत कम नामांकन है तो उन प्रिंसिपलों से भी हमने बात की कि भाई इसका कारण क्या है। तो किसी ने कहा साहब पास में दूसरी स्कूल है, किसी ने कहा थोड़ी दूरी पर पड़ती है स्कूल, किसी ने कहा बालिका की है तो बालिकाओं को यहाँ पर लोग भेजते नहीं हैं, तो को एजुकेशन अगर कर दिया जाए तो हम इसको ठीक कर लेंगे। तो कईयों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, कईयों ने कहा साहब पीओ नहीं है, कईयों ने कहा कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, कईयों ने कहा कंप्यूटर खराब पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास में आई। कईयों ने ये कहा साहब कमरे अटे पड़े हैं, कचरे से अटे पड़े हैं, उसकी डिस्पोजल के हमारे पास में कोई जो कानून है उसके मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है। कईयों ने कक्षा कक्षों की कमी बताई, कईयों ने कुछ कमियां बताई, किसी ने स्टाफ की कमी बताई, आप गए तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आई, सारी चीजें मेरे सामने आई और मैंने अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए कि जो कमी हम ठीक कर सकते हैं उसको तुरंत हमें ठीक करना चाहिए। और उसका रिस्पॉन्स ये आया कि एक शिक्षकों में एक विश्वास जमा कि सरकार हमारे साथ में है, मंत्री मुख्यमंत्री हमारे साथ में है तो हमें और ज्यादा करना चाहिए, उनको एक ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा का परिणाम ये हुआ कि आज करीब करीब दिसंबर के महीने में ही सबने कोर्स पूरा करा दिया। गोविंद जी, शिक्षा विभाग की बात आती है, सारी बातें हमने की, लेकिन तबादला नीति है ना, वो भी बड़ा हमेशा चर्चा में रहती है, इस बार उन चीजों को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? निश्चित रूप से तबादला बड़ी समस्या रहती है और लोगों की सबकी इच्छा रहती है कि हम घर के पास आ जाएं, लेकिन हमने पहली बार राजस्थान में जो तबादले हमने किए उससे पहले ऑनलाइन एक शाला दर्पण पे मॉड्यूल विकसित किया और उस पर आवेदन लिए तो किसी टीचर को चक्कर नहीं काटना पड़ा और हमने बड़ी एक गाइडलाइन के साथ में बहुत पारदर्शिता के साथ में स्थानांतरण किए। फिर भी हमने कहा किसी का गलत हो गया या कोई पीड़ित हो गया, विकलांग हो गया, विधवा हो गई, एकल महिला हो गई, किसी का हो गया तो हाँ मैं आप परिवेदना ऑनलाइन दे दीजिए, हम उसका निस्तारण करेंगे। और तकरीबन 600 परिवेदनाओं को निस्तारण करके उनको और रिलीफ दी गई है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और हम भी चाहते हैं कि शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बननी चाहिए, उस नीति के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। उस नीति में प्रमुख रूप से हम ये करने वाले हैं कि जो टीचर अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने विभाग में बेस्ट काम कर रहे हैं, उनको उसका माइलेज मिलना चाहिए, वो उसके अलग से मेरिट बननी चाहिए और मेरिट के आधार के ऊपर वहाँ पर ट्रांसफर होने चाहिए। गोविंद जी, शिक्षकों की बड़ी समस्या रहती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं या घर घर जाके पोलियो की ड्रॉप पिलाएं या वोटर लिस्ट को ठीक कराएं, इस समस्या का कोई निस्तारण नहीं है क्या? देखिए, जो वोटर लिस्ट का काम या चुनाव आयोग का काम है वो तो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में तो कोई न कोई किसी न किसी कर्मचारी को काम करना पड़ेगा। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी ये बात आई है कि शिक्षकों को बहुत कम दूसरे काम दिए जाएं जिससे वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हम लोग भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीरता के साथ में विचार कर रहे हैं और हमारे विभाग के अधिकारियों को हमने कहा है कि किस प्रकार से कैसे उनका दूसरा जो बर्डन है वो कम किया जा सके। अभी एक साल का कार्यकाल हुआ है, हम 4 साल का आगे आप क्या लक्ष्य लेके चलते हैं? देखिए, एक साल में चाशनी तो शुरू में दिख जाती है, गांव की नेपे तो खेड़े बताते हैं, हमारे मारवाड़ी में कहावत है। तो आपने देखा 12 महीने में नामांकन का बढ़ना, इंग्लिश मीडियम का खुलना, सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन होना,
सेल्फ डिफेंस जैसे बालिकाओं के लिए कार्यक्रम, जो इनको पारितोषिक या छात्रवृत्तियाँ मिलती थी उनका बढ़ना, जो समय का कैलेंडर था टीचर्स का उसको ठीक करना, जो आवासीय प्रशिक्षण शिविर दूसरे जिलों में होते थे, हमारी बहनों को दिक्कत होती थी लेडी टीचर को, उसका वापस से जिलों में और जिलों के साथ साथ गैर आवासीय करना, ये सब चीज़ें 1100 शिक्षकों को सम्मानित करना, तो जो चीज़ें की हैं उससे शिक्षा जगत में एक विश्वास जगा है। और हमने सारे प्राइवेट और निजी शिक्षण संस्थानों के जितने भी संघ बने हुए हैं, चाहे वो कितने भी मेंबर उनके सदस्य हों, उनको सबको बुला के पूछा, उनकी समस्याओं को पूछा, उसके समाधान के लिए किया। इसीलिए 12 महीने में आपने देखा होगा कि एक भी शिक्षक संगठन ने सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये शिक्षा विभाग की बात हुई, एक चलते चलते मैं सवाल आपसे यही करूँगी, राज्य सरकार के अभी तक के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? राज्य सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका परिणाम आपने उपचुनाव में देखा, 133,700 से हम चुनाव में जीते, दूसरी सीट हम जो 45,000 लोकसभा में 4 महीने पहले आ रहे थे वो 4,000 के अंदर अंदर आ गए, और नगर निकाय में राजस्थान के इतिहास में आज तक इतना बहुमत नहीं मिला। किसान खुश हैं, उनका भी लोन माफ हुआ है, बिजली समय पर मिल रही है, सड़कें भी जो अधूरी छोड़ गए थे वो सड़कें भी बनना अब चालू हो गई हैं। तो जिस प्रकार से 36 कोमों को लेकर के गुजरों का आरक्षण का मामला कितने साल से बीजेपी ने अटका रखा था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कर दिया, जो स्वर्ण कास्ट के लिए जो स्वर्ण कास्ट के लोगों को जो आरक्षण मिलना था वो मोदी जी ने कैसे नियम पेच लगा के अटका दिया था उसको भी सरलीकरण करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सभी वर्गों को ये लग रहा है कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है अशोक गहलोत के नेतृत्व में कि वो सब खुश हैं और उनको पूरा विश्वास है, उस सरकार को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। आपने देखा कोई भी जन आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी के पास में बोलने के लिए शब्द नहीं रह गए हैं, केवल वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वो उस एजेंडे की बात करते हैं, एक भी कमी हमारी सरकार की 12 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं निकाल पाए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए गोविंद जी, आपने हमसे इतनी सारी बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने कहा कि वो शिक्षा का उजाला फैलाने में यूं ही लगे रहेंगे। नमस्कार।